Hi, I'm Manul Chudasama and we are going to do Get Ready With Me with Celeb Mode. मेकअप भी स्टार्टअप कहाँ से करते हो? जी हम चालू करते हैं, हमें योगी दादा बताएंगे क्योंकि योगी दादा ही चालू करते हैं। वो अपना अंडर आई कंसील करते हैं सबसे पहले क्योंकि हमें थोड़ी सी टफ सर्विस है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा सो, हमें तो सोने नहीं मिलता। फ्रीज एंड डिफ्रीज हम दोनों करने वाले हैं। हमारी स्क्रिप्ट देखेंगे आप, इतनी थिक होती है, इतनी थिक। वो इतने तुम स्कूल में साल में पढ़े थे जितना एक दिन में पढ़ना पड़ता है, एक दिन में पढ़ना पड़ता है, वो भी 12 घंटे में। हमें ये सारा कुछ डिलीवर करना है। हमारा मेकअप योगी दादा कर रहे हैं तो रौनक कैसे नहीं आएगी? ये भी बात ठीक है। क्रेडिट पूरा इनको ही जाता है, मरियम कितनी सुंदर बनाने का। हाँ जी दीदी, रोज़ विदाउट फेल हमारे बालों में हीट प्रोटेक्टर लगाती हैं क्योंकि हमारे बाल ख़राब ना हो जाए। तो मतलब मेरे मुझसे ज़्यादा दीदी मेरे बालों का ज़्यादा ध्यान रखती है ना दीदी? दीदी बहुत केयरिंग है। दीदी नहीं चाहती कि मनुल के बालों को कुछ भी हो। कुछ भी हो, आपको पता है धूप होती है ना। हाँ? तो दीदी दुपट्टे वाले ड्रेसेस पहनती है जैसे कि, तो कोई हमारे साथ हेल्प के लिए नहीं होता तो दीदी हमको पूरे सर पे से दुपट्टा ओढ़ देती है कि हम धूप से टैन ना हो जाए। मनु इतना ज़्यादा मेकअप करते हैं तो स्किन को भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, आपको फेस करना पड़ रहा है? बिल्कुल, मेरे को एक दो आपने देखे होंगे फोरहेड पे ब्रेकआउट्स आए थे। वो अभी 12 से 13 घंटे हमारे फेस पे रोज़ मेकअप होता है। सो हमें रात को आई विदाउट एनी फेल मैं तुरंत ही जैसे ही शूट ख़त्म होता है मैं सबसे पहले मेकअप निकालती हूँ, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि मैं एक घंटा घर तक ट्रैवल भी करूँ तो मेरे फेस पे मेकअप हो। बिकॉज आई वॉन्ट कि यू नो जितना हो सके मेरे फेस को ब्रीथ करने मिले, क्योंकि अगर आपके फेस पे इतने घंटे मेकअप होता है जो ही, जबकि ये हमारा काम है तो फिर ये हमारे यू नो डे टू डे लाइफ का पार्ट है। सो ऑब्वियसली हम ये सब चीज़ें फेस तो करते ही हैं, हम एक ही चीज़ करने की कोशिश करते हैं, हम थोड़ी सी डाइट हमारी राइट करते हैं जिससे हमें थोड़े ज़्यादा ब्रेकआउट्स ना आए। और रात को स्किन केयर करना तो विदाउट फेल बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं स्किन केयर में ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती, सिर्फ एलोवेरा और मेरी एक क्रीम है जो मैं एक्ने के लिए उससे ज़्यादा। आप देख रहे होंगे हमारी आंखों पे ये क्यूट सी बेबी पिंक कलर की एकदम सटल और एकदम क्यूट सी, बस इतनी सी, ज़्यादा मेकअप नहीं दिया है हमारे कैरेक्टर को मरियम को। सिर्फ ऐसे हम लगाते हैं बेसिक सा बेबी पिंक आई शेडो जो दादा एकदम बढ़िया ब्लेंडिंग करते हैं। मैं आपसे जानना चाहेंगे, फेस पे इतने सारे लाइक आइस होती है, लिप्स होते हैं, ब्लशर्स होते हैं, आपको सबसे अच्छा क्या सजाना लगता है, आइस या लिप्स? आइस, बिकॉज आँखें है ना, अगर आप देख रहे हैं हमारा काम एक्टिंग करना है तो फिर एक्टिंग में आपकी आँखें जितनी एक्सप्रेसिव हो सकती है उतने आपके फेशियल, मतलब हम यू नो हम ऐसे बोलते हैं कितने बार कि आँखें हमारी इतनी सारी चीज़ें बोल गई विदाउट हमारे बोले।
तो आंखें इतनी एक्सप्रेसिव हो जाती है कि हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. सो आईज आर माय फेवरेट थिंग. ऐसे ही लोग बहुत क्यूट लगते हैं. जब बड़ा बनने की कोशिश करते हैं ना तो उनके ऊपर लोग चिंजरा अच्छे भी नहीं लगते. बिल्कुल, हमें ऐसे ये इनोसेंस ना कभी जानी नहीं चाहिए. बिल्कुल नहीं, वो आपकी पर्सनालिटी है. हाँ, उसे नहीं चेंज करना चाहिए. बिल्कुल. देखो मेकअप दादा एकदम फ्री हो गए. दादा हमको थोड़ा सा ब्लश ऑन लगा दो. इतने सेटिस्फाई नहीं है. बिल्कुल नहीं. नहीं, हमारा ब्लश ऑन रह गया है. हाँ. और ब्लश ऑन मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है क्योंकि उसमें चीक्स एकदम पिंक पिंक हो जाते हैं और मुझे हल्का सा नोज पे चाहिए होता है तो एकदम नेचुरल सा लुक आया. अरे वाह, देखो अश्विनी दीदी भी आ गई. हो गया बस. गुड मॉर्निंग. योगी दादा. योगी दादा का तो हो ही गया है. उनको तो भी डन है. बोलो ही ना. हाँ जी, दीदी का भी डन है. हमारे भी थोड़े से स्ट्रेस में आ गए हैं क्योंकि हमारा सबसे पहला सीन है और हम रेडी हो रहे हैं आपके साथ. तो अभी हम फटाफट जाएंगे और ड्रेस चेंज करके आएंगे और आपको दिखाएंगे हम मनुल से मरियम कैसे दिखते हैं. हम अभी ग्लो लगाएंगे. हम पूरे ग्लो 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 करेंगे. मरियम ग्लो करती हैं हमेशा. हमारे चीक्स, हमारा पूरा फेस. हम मोस्टली लिपस्टिक सीधा सेट पे लगाते हैं क्योंकि मैं एक लिप बाम लगाती हूँ जिससे मेरे लिप्स थोड़े मॉइस्चराइज हो जाते हैं. तो सेट पे बिफोर टेक मैं सीधा लिपस्टिक लगा के रेडी हो जाती हूँ. तो हम यू गए और यू आए. थोड़ी स्टैम्प.